हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी या दूधी का हलवा बहुत ही आसानी तरीके से। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। हमने ले ली है एक लौकी, उसे अच्छे से हमने छील लिया है। उसके बाद हमने उसे अच्छे से कट कर लिया है। अगर आपके लौकी में बिया रहेगा तो उसे अच्छे से कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम उसे अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा पानी ऐड करके 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, जब तक लौकी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, जिससे ना मसलने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से मसल लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लेंगे और उसे थोड़ी देर गर्म होने देंगे। उसके बाद हम उसमें जो मैश किए हुए लौवा है उसे मिला लेंगे। इसे धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे। लौकी को हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए, लाइक गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर मिला लेंगे। जितना आपका लौकी रहे उसके हिसाब से आप शक्कर भी ले लीजिए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और या तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम लौकी को पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें बॉईल किया हुआ मिल्क ऐड कर देंगे। अगर हम इसे ठंडा नहीं होने देंगे और डायरेक्ट मिल्क ऐड करेंगे तो दूध फट जाएगा, इसलिए इसे आप 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना। उसके बाद बॉईल किया हुआ दूध इसमें ऐड कर देना। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अपने मन पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर कुछ फीडबैक रहे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।